प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने विधेयक प्रारंभ किया था। विधेयक में तीन विधेयक में दो विधेयक के बारे में कल चर्चा किए थे, समान विधेयक और धन विधेयक, और एक संविधान संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा करना अभी बाकी है। और एक चीज़ कल और बताए थे आपको कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, इसके बारे में भी हमको चर्चा करना अभी है। इसके बाद हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे संसद को, लोकसभा राज्यसभा समितियां विधेयक सारा समाप्त होने के पश्चात हम लोग राज्य की विधायिका में विधानसभा विधान परिषद विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग सिलसिलेवार ढंग से और सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग तो थोड़ा रिविजन कर लेते हैं दो मिनट कि क्या सम्मान विधेयक में पढ़े थे और धन विधेयक में पढ़े थे। तो हम लोग सामान्य विधेयक को अनुच्छेद 107 के अंतर्गत रखे थे, था धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में रखे थे। सामान्य विधेयक को कहाँ पेश कर सकते हैं, कल बताए थे कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश कर सकते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश होगा सर्वप्रथम, तो केवल लोकसभा में पेश होगा सर्वप्रथम। कहाँ पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। सामान्य विधेयक में बताए थे कि मंत्री भी पेश कर सकता है और सदस्य भी पेश कर सकता है, धन विधेयक में केवल मंत्री पेश करेंगे। यहाँ बताए थे कि समान विधेयकों को कितने वाचन में पूरा करते हैं, तो तीन वाचन में पूरा करते हैं। धन विधेयक है कि नहीं है इसी घोषणा कौन करते हैं, इसे घोषणा करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। समान विधेयक को राज्यसभा कितने महीने रोक कर रख सकती है, तो 6 महीना रोक कर रख सकती है। अगर 6 महीने के बाद भी 6 महीने के बाद भी पारित नहीं होती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। अब तक कितनी बार हो चुकी है, 3 बार, 61, 78, 2002। परंतु धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार नहीं है, उन्हें 14 दिन के अंदर पास करना पड़ता है, अन्यथा स्वतः पारित हो जाता है। जब स्वतः पारित हो जाता है तो ज्वाइंट मीटिंग या संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। अनुच्छेद 109 के तहत आप पढ़े थे कि जब लोकसभा राज्यसभा भेजेगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, प्रस्तुत करेंगे तो वीटो पावर लगाने का अधिकार प्राप्त है। कितना वीटो, या तो स्वीकृत को ही कहते हैं पूर्ण वीटो, दूसरा अस्वीकृत उसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो, तीसरा जेबी वीटो। परंतु धन विधेयक में राष्ट्रपति वीटो पावर नहीं लगाते हैं, उन्हें पास करना होता है। कल इसके बारे में चर्चा किए थे कि समान विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में पेश करते हैं और धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में। इसको मंत्री भी पेश कर सकता है, मेंबर भी, इसको सिर्फ मंत्री पेश करेगा।
कितने वचन पूरा करेंगे? तीन वचन में। कौन घोषणा करता है? लोकसभा का अध्यक्ष घोषणा करते हैं। राज्यसभा कितना महीने रोक सकती है? 6 महीने। और 6 महीने के बाद भी नहीं होगा तो क्या कौन बैठक होगा? ज्वाइंट मीटिंग चलेगा अनुच्छेद 108 के तहत। और राज्यसभा कितना दिन रोक सकती है? 14 दिन के लिए। और नहीं पास होगा तो स्वतः पारित हो जाएगा और इसलिए ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का प्रावधान नहीं है धन विधेयक में। और राष्ट्रपति को समान विधेयक में वीटो पावर लगाने का अधिकार है जबकि धन विधेयक में वीटो पावर लगाने का अधिकार नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसके बारे में कल चर्चा हो चुकी थी। आप लोग आपके लिए एक रिवीजन के तौर पर इसे 2 मिनट के लिए आपके सामने रखे थे। अब हम लोग चलेंगे धन संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक चलेंगे। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 367। देखिए संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं थे, वही अनुच्छेद बढ़ते 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 400 प्लस हो गए। तो किस प्रकार हुए? तो वह इस प्रकार हुए कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। यानी कानून जो बना हुआ है इसमें कुछ त्रुटि या कुछ अपडेट करने की जरूरत है तो अपडेट करने के लिए संविधान संशोधन मतलब कि उसका परिमार्जन, संशोधन मतलब उसका परिमार्जन करने का अधिकार दिया गया है। अब देखिए संविधान संशोधन विधेयक पेश होगा सामान्य विधेयक की तरह, सामान्य विधेयक की तरह पेश होगा। मतलब कहीं भी पेश कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, परंतु पारित होगा धन विधेयक की तरह। पेश किसके प्रकार होगा? सामान्य विधेयक की तरह। पारित होगा किस तरह से? धन विधेयक की तरह पारित होगा। अब संशोधन विधेयक को कितने प्रकार से पारित करते हैं? तो तीन प्रकार से पारित करते हैं। पहला सामान्य संशोधन विधेयक को सामान्य बहुमत 50% के आधार पर, मतलब संसद के लोकसभा राज्यसभा के 50% वोट के द्वारा सामान्य संशोधन विधेयक को पारित करते हैं। दूसरा विशेष सामान्य विधेयक को संसद के लोकसभा राज्यसभा 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करते हैं। तीसरा राज्य से संबंधित संशोधन विधेयक को संसद के लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त प्लस आधे से अधिक राज्यों का
समर्थन प्राप्त होनी चाहिए। कितने प्रकार से पारित होंगे, पेश होंगे किसकी तरह, सामान्य विधेयक पारित होंगे धन विधेयक की तरह। कितने प्रकार से पारित किए जाते हैं, तीन प्रकार से। सामान्य संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा 50% वोट के आधार पर पारित करते हैं। विशेष बहुमत सामान्य विधेयक को, विशेष विधेयक को, विशेष संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पास करते हैं। और अगर राज्य से संबंधित विधेयक होगा तो लोकसभा राज्यसभा के 2/3 के अलावे आधे से अधिक राज्यों का समर्थन प्राप्त होनी चाहिए। मतलब 28 अगर राज्य है तो 28 मतलब क्या, 14 राज्य का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसमें भी राष्ट्रपति को वीटो पावर लगाने का अधिकार नहीं है। मतलब पास पारित होगा धन विधेयक की तरह, अब पेश करेंगे किसकी तरह, सामान्य विधेयक की तरह। कितने प्रकार से पेश होता है, पारित होता है, तीन प्रकार से। 50% वोट पर 2/3 बहुमत से। और तीसरा है कि लोकसभा राज्यसभा के 2/3 के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। राज्य से मतलब है क्या कि पंचायती राज हो गए, चाहे आपका जीएसटी बिल हो गया, चाहे राज्य का नए राज्य का निर्माण करना हो, या उसका क्या बोलते हैं, उसका क्षेत्र का विस्तार करना हो, ये सब इसमें आते हैं। तो ये था संविधान संशोधन विधेयक। तो अभी हमने तीन विधेयक के बारे में चर्चा कर लिए हैं, एक सामान्य विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब हम कल आपको हम बताए थे, बहुत क्वेश्चन ये वाली आती है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। बहुत क्वेश्चन आता है वाला कि धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117, धन विधेयक को मनी बिल कहते हैं, वित्त विधेयक को फाइनेंस बिल कहते हैं। धन विधेयक में अनुच्छेद 110 वन ए से लेकर एफ या जी में 6 विषय से संबंधित, छह विषय को शामिल करते हैं। तो धन विधेयक में कितने विषय शामिल होंगे, 6 या 7 विषय, क्या क्या चीज। संचित निधि में धन निकालना, जमा करना, टैक्स से संबंधित, ब्याज से संबंधित, इमरजेंसी फंड से संबंधित चर्चा रखते हैं किसमें, धन विधेयक में। और इन विषय को छोड़कर अन्य वित्तीय विषय को वित्त विधेयक में रखते हैं। वित्तीय विषय को जैसे टैक्स को घटाने, टैक्स के बारे में रखते हैं किसमें, वित्त विधेयक। मतलब जो 6 विषय नहीं है इसके अलावे जो भी वित्तीय विषय होंगे सब किसमें रखाएंगे, वित्त विधेयक में। क्या बेसिकली क्या अंतर है
बेसिकली अंतर क्या है कि धान विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में पेश करते हैं, जबकि वित्त विधेयक को कहीं भी पेश कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। धान विधेयक को राज्यसभा 14 दिन में पारित करेगी, जबकि वित्त विधेयक में राज्यसभा समान विधेयक की तरह पारित कर सकती है, यानी 6 महीने कर सकती है। और बेसिकली क्या अंतर है कि धान विधेयक में ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि वित्त विधेयक में राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। देखिए फर्क है, इसमें वीटो पावर नहीं लगाई जाती है धन विधेयक में। वित्त विधेयक में वीटो पावर लगाई जा सकती है, जाती है या जा सकती है। अंतर है, धन विधेयक में कितने विषय? 6 विषय। 6 विषय के अतिरिक्त और वित्तीय विषय को किस में रखते हैं? वित्त विधेयक में रखते हैं। धान विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ पेश करेंगे? तो लोकसभा में, जबकि वित्त विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश कर सकते हैं। धान विधेयक में राज्यसभा को कोई भी अधिकार नहीं है, उसे 14 दिन में पास करना पड़ेगा, जबकि वित्त विधेयक में राज्यसभा समान विधेयक की तरह 6 महीने रोक कर रख सकती है। धान विधेयक में राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाते हैं, जबकि वित्त विधेयक में राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। धान विधेयक में वीटो पावर नहीं लगाई जाती है, जबकि वित्त विधेयक में वीटो पावर लगाई जाती है। ये फर्क हुआ किसमें? धान विधेयक में और वित्त विधेयक में। एक डायग्राम समझते हैं कि ये धान विधेयक है और ये वित्त विधेयक है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। आप लोग ये रीजनिंग में पढ़ते होंगे कि धन विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। ये डायग्राम ऐसे है, अलग अलग। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। क्या आप फर्क महसूस किए हम लोग कि धन विधेयक में कितने विषय? 6 विषय के अलावे और वित्तीय विषय को किस में रखते हैं? वित्त विधेयक में रखते हैं। धन विधेयक को कहाँ पेश करेंगे? तो लोकसभा में पेश करेंगे, जबकि वित्त विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश कर सकते हैं। धान विधेयक को राज्यसभा कितना दिन में पास करती है? 14 दिन में, जबकि राज्यसभा 6 महीने तक समान विधेयक की तरह रोक कर रख सकती है। धान विधेयक में राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाते हैं, जबकि वित्त विधेयक में राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। धान विधेयक में वीटो पावर नहीं लगाई जाती है,
जो कि वित्त विधेयक में वीटो पावर राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। ये फर्क हमने महसूस किया। समान विधेयक कितने प्रकार से पेश होंगे, पारित होंगे? तीन प्रकार से पेश होंगे। किसकी तरह? समान विधेयक। पारित होंगे किसकी तरह? तो धर्म विधेयक की तरह। कितने प्रकार से पारित होंगे? तीन प्रकार से। समान संशोधन विधेयक में 50% वोट, विशेष प्रकार के संशोधन में दोनों सदन का 2/3 बहुमत, और अगर राज्य से संबंधित होगा तो दोनों सदनों के 2/3 के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। हमने धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में चर्चा की है। कल इसके बारे में अगले क्लास में इसको एक बार पुनः एक बार आपको रिवीजन करवाएंगे, और फिर संसद का पोर्शन यहीं पर आपका समाप्त होता है। हमने पढ़ा संसद का गठन, संसद की संरचना, धनपूर्ति वगैरह के बारे में पढ़े, उसके बाद पढ़े लोकसभा, उसके बाद पढ़े राज्यसभा, उसके बाद पढ़े विधेयक समितियाँ, उसके बाद पढ़े विधेयक, और यहीं पर आपका केंद्र का विधायिका का पोर्शन समाप्त होता है। अगले क्लास से हम लोग चलेंगे राज्य की विधायिका, चलेंगे विधानसभा, विधान परिषद और विधेयक के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।